नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में कुछ एक तबका ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के सख्त खिलाफ है। वो कोई भी फैसला ले ले, उनकी सरकार कोई भी कदम उठा ले, लेकिन ये तबका ऐसा है जो एक्टिव हो जाता है, इसमें से नेगेटिव चीजें निकालता है और उसके बाद देश की जनता के सामने रखता है। इनमें पत्रकारों का भी एक वर्ग है। नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ चुनिंदा पत्रकार ऐसे हैं जो सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरने से बाज नहीं आते। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही मोदी विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम की, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा अजीत अंजुम मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं और जब जब सवाल उठाते हैं तब तब उनके फॉलोअर्स उन्हीं को जवाब देते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं। लेकिन इस बार जो मुद्दा अजीत अंजुम ने उठाया उसको लेकर लोग इस कदर भड़क गए कि ऐसी ऐसी बातें अजीत अंजुम को सुना डाली कि अगर वो भी ये मैसेजेस पढ़ रहे होंगे तो वाकई में सोच रहे होंगे गलती तो नहीं करती। अब अजीत अंजुम ने क्या ट्वीट किया पहले ये सुनिए। अजीत अंजुम ने मोहनदास पाई नाम के एक यूजर का एक पोस्ट रीशेयर किया और इसको शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी को टैग किया और लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार की किसान निधि योजना से लेकर फ्री अनाज योजना पर इन्हें एतराज है। फ्री में गैस सिलेंडर तो अब बिल्कुल मत दीजिएगा। अब उनके इस पोस्ट पर विनय नाम के यूजर ने लिखा, अपने को तुम पर भी एतराज है, तू इतना चमचा कैसे बन गया। यशवंत सिंह नाम के यूजर ने लिखा, और 200 करोड़ फ्री वैक्सीन वो वापस तो नहीं मांग लेंगे। एक और यूजर ने लिखा, अंजुम जी लगता है आपको कांग्रेस पार्टी में टिकट का लालच देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिलवाने का काम कर रही है, तो अगर चुनाव लड़ना है कहीं से कांग्रेस के पार्टी के टिकट पर तो आप वहां पर जाइए जनता के बीच में और उसके बाद में जनता से पूछिए कि कामों से खुश हैं या नहीं। एक और यूजर ने लिखा, देश में आप लोगों ने बहुत सारे पत्रकार देखे होंगे लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकार आप लोगों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि इनको देश का विकास नहीं दिखता। जब ये चुनाव में गाड़ी लेकर प्रचार करने जाते होंगे तो इनको कोई काम नहीं दिखता होगा क्योंकि ये पत्रकार नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता है। एक और यूजर ने लिखा, देखिए दलाल अब खुल के कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा है, बढ़िया अजीत अंजुम, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किस तरह से लोग अजीत अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर उनकी आलोचना कर रही है। अब आप बताइए इस खबर को लेकर आप क्या राय रखें।